पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोकसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही। सभी संभावित जीत वाली सीटों पर वो अपने दमदार उम्मीदवार लगातार सामने ला रही है। कांग्रेस ने अपनी लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें मुरादाबाद से राजबब्बर का टिकट दिया गया, जिसके बाद कांग्रेसियों में उत्साह नजर आ रहा है। कांग्रेसियों ने मुरादाबाद से राजबब्बर का टिकट होने पर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। कांग्रेस के महासचिव मुकुल वासनिक ने कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय से अपने लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, जिसमें 21 उम्मीदवारों का नाम है। इसमें 16 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में है। इसमें मुरादाबाद से राजबब्बर का नाम शामिल है। राजबब्बर का नाम आते ही मुरादाबाद के कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया, साथ ही सभी ने रंग उड़ाकर जश्न मनाया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह ने बताया कि राजबब्बर के चुनाव लड़ने की खबर से कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। निश्चित रूप से मुरादाबाद से कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत के अंतर से जीतेगी। अभी 9 बजे हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बेहद लोकप्रिय सम्मानित सांसद एवं अध्यक्ष माननीय राजबब्बर जी को माननीय राहुल गांधी जी द्वारा मुरादाबाद लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया है। हम सब लोग जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर बेहद जोश के साथ लबरेज हैं यहाँ पर, और हम सब लोगों का यहाँ पर आने का मकसद यही है कि माननीय राजबब्बर जी को मुरादाबाद का प्रत्याशी बनाकर के माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मुरादाबाद लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी कम से कम 2 लाख वोट से जीतने जा रही है। यहाँ का हर कार्यकर्ता हर बूथ पर मौजूद है और हमने हर बूथ पर जो है ना कम से कम 10 से 15 कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करके रखी हुई है। आप आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा किस तरीके से यहाँ की जनता से, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, यहाँ के सांसद द्वारा, यहाँ के विधायकों द्वारा जो वादा खिलाफी की गई है, ना तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज मिला, ना तो यहाँ पर विश्वविद्यालय मिला, और ना ही यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला। और तो और केवल स्वच्छता के नाम पर आपने देखा होगा दीवारों पर बाल लाइटिंग कराई गई है। क्या बाल लाइटिंग कराने से नगर निगम को स्वच्छता का दर्जा मिल जाएगा? नालियाँ खराब हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पूरा शहर जाम से परेशान है, आदमी को निकलना दूभर है, लेकिन नगर निगम की पहल क्या है आपको पता होना चाहिए, दीवार पर बाल राइटिंग कराई गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ की जनता ने माननीय राजबब्बर साहब को अपना अमूल मत दे करके अगर विजय बना करके भेजती है, तो मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले 5 साल में उतना काम होगा जितना पिछले 15 साल में मुरादाबाद में देखने को नहीं मिला, मैं इतना ही कह सकता हूँ।